आई है कि ये राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र के चुनाव के साथ साथ ये चुनाव, अभी आपने अगर सुना होगा तो सनातन संविधान और संपत्ति पे आके टिक गया है। अभी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में और कल जो इनके नेता सेम त्रिपोदा जी, उनका बयान जो सुना हो अगर किसी ने, आजकल तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, अनेक चीजें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। और इनके नेता राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कल का बयान सुना हो, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। और कांग्रेस का घोषणा पत्र जो कहता है कि हम शरीयत के कानूनों की रक्षा करेंगे, वो इस बात का द्योतक है कि उनकी आस्था कांग्रेस की संविधान में कभी नहीं रही। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिनके पास में दो मकान है, अगर वो कानून जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है, उन दो मकानों में से एक मकान आपका ले लिया जाएगा, आपके पास एक ही रहने दिया जाएगा। अगर आपके पास में दो मोटरसाइकिल है तो एक ले ली जाएगी। और कल जो सेम त्रिपोदा जी ने कहा, उनने तो कहा कि जैसे अभी तक हमारे यहां पैतृक संपत्ति आती थी, पिताजी की संपत्ति बेटे के नाम हो जाती थी, ऑटोमेटिक हो जाती थी, पर कल उन्होंने कहा है कि नहीं, अमेरिका का कानून लागू करो। सेम त्रिपोदा जी ने, जो कांग्रेस के इनके अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल विंग है उसके अध्यक्ष है, कि वो कांग्रेस जीतेगी तो उसके बाद में 55% सरकार रख लेगी और 45% ही सिर्फ परिवार में रह जाएगी। ऐसी मेरी बात झूठ लगे तो आप अपने अपने मोबाइलों से, बच्चों के मोबाइल से खुलवा के, सेम त्रिपोदा में नाम ले रहा हूं, उसका ये बयान सुन लेना। राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं, सबसे गरीब हैं। अगर राहुल गांधी कह रही है कि स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग में आपकी संपत्ति आपसे लेके सब में समान भागों में बांट दी जाएगी, मतलब आप समझे कि नहीं समझे इस बात का, जो राहुल गांधी का बयान है, ये भी आप अपने मोबाइलों पे निकाल के टीवी पे उनके बयान आजकल चल रहे हैं उस पर भी सुनिए। उनका भी स्पष्ट मत है कि ये संपत्तियां जो आपकी है, ये लेके जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो विदेश से आ गए हैं, भारत में बस गए, उनको आपकी ये संपत्ति बांट दी जाएगी, ऐसा सोच कांग्रेस का है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सोच हो इनका, ऐसा सोच ये पहले भी कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि आपके मंगलसूत्र ले लिए जाएंगे, वो उन्होंने कहा स्कैनिंग की जाएगी आपकी संपत्ति की, तिजोरी की, आपके पास में अगर सोना रखा है तो वो सोना भी ले लिया जाएगा और समान भागों में बांट दिया जाएगा। आपके यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनके छह बच्चे हैं, तो जो एक रुपया है वो 60 पैसा उनको चला जाएगा, आप पे 40 पैसे ही रह जाएगा। ये कांग्रेस की मानसिकता है देश को बांटने की। पहले जातियों में बांटने की कोशिश की, फिर राहुल गांधी जी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे।